मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4। टॉपिक रहेगा हमारा फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट एंड इट्स वर्सेटाइल सिग्निफिकेंस। बहुत सुना हुआ नाम है, आप लोग सभी जानते होंगे कि फ्लैश पॉइंट क्या है और फायर पॉइंट क्या है। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो आज अच्छे से जान लो और इसका क्यों यूज है, क्या करते हैं, क्या बताता है, कैसे यूज करते हैं इसका, है ना, हम इसके बारे में सब जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। अब देखिएगा फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट कैन बी टेकन एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, कोई भी हमारे पास फ्यूल ऑयल है, फ्रैक्शन है, या वो डीजल है, पेट्रोल है, उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट इनडायरेक्टली उसकी वोलेटिलिटी के बारे में बताते हैं। अगर हमारे पास कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी वोलेटिलिटी बहुत कम है, इसका मतलब उसका फायर पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक ठीक है, किसी की वोलेटिलिटी कम है, इसका मतलब उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हो कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो हैं वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, वोलेटिलिटी के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या है कि फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट फ्लेम कॉजेज वेपर अबव द ऑयल टू इग्नाइट। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लैश पॉइंट जो होता है वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है। क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे क्या होगा, देखो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कोई पेट्रोल है या फिर डीजल है। ठीक है, ये डीजल है और हमने इसको गर्म करना शुरू किया तो क्या होगा, इसकी वेपर बननी शुरू होंगी। ठीक है, और इसके वेपर जो होंगी वो बाहर की जो एयर होगी, जो चारों तरफ एयर होगी या फिर जो हमें एयर यहाँ पर देंगे हम, उस एयर के साथ एक मिक्सचर बना लेगी। क्या बना लेगी, और मिक्सचर बना लेगी। तो अगर मैं इसमें इग्नाइट करूँ इसको, हम अब आपका जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है उसमें एक स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, जो बैटरी की हेल्प से काम करता है वो क्या करता है, इग्नाइट करता है। वहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, सेंटर इलेक्ट्रोड और बॉटम इलेक्ट्रोड, उनके थ्रू क्या होता है, इग्निशन दिया जाता है। तो अब हम इग्निशन दें तो क्या होगा, इसमें कोई भी कंबसन ना हो, इसका जले ना, तो हम समझ जाएंगे कि अभी जो है फ्लैश पॉइंट नहीं आया है। फिर इसको और गर्म करें, फिर और वेपर बने, अब जो वेपर एयर का मिक्सचर बनेगा, फिर उसको इग्नाइट करें तो अभी मान लो उसमें जो है कंबसन नहीं हो रहा है, तो और गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो फिर टेम्परेचर उतना हम बढ़े कि तुरंत इग्नाइट करने पर अब क्या हो, बस तुरंत कंबसन हो जाए। समझ गए, कहने का मतलब क्या है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर होता है। देखो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो बहुत सारी वेव बनेंगे, आराम से कंबसन हो जाएगा, हमें निकालना है मिनिमम टेम्परेचर। तो लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें क्या है कि इतनी इतनी अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म हो कि वो उनका मिक्सचर इग्नाइट करने पर क्या हो, वो बर्न हो जाए। समझ गए, परिभाषा सिर्फ इतनी सी है, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सच अमाउंट ऑफ वेपर क्रिएटेड दैट मिक्स विद द एयर एंड बर्न आफ्टर इग्निशन। समझ गए, तो समझ गए ना बात को, कि इतना वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे इतनी वेपर की मात्रा बने जो कि एयर से मिक्सचर बना के क्या हो, इग्निशन करने पर बर्न हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे फ्लैश पॉइंट। अब जो भैया फायर पॉइंट क्या होता है, द फायर पॉइंट जो एलो लाइन है देखिए, द फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल इग्नाइट एंड कंटिन्यू टू बर्न फॉर 5 सेकेंड। अब जो है क्या कि मैंने बोला कि जिस पर हम वेपर बनाए इग्नाइट हो जाए, बर्न हो जाए, तो उसको फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। पर हमारी वहाँ पे गारंटी नहीं कि वो फिर तुरंत बुझ जाएगा, यानी तुरंत बुझ जाएगा या फिर नहीं बुझेगा, उसमें गारंटी इसकी नहीं है, हमारा फ्लेम बंद हो जाएगी रहेगी, हमें उस गारंटी नहीं, बस एक बार इग्नाइट हो जाए। ठीक, इग्नाइट हो जाए उसका कंबसन है एक बार, मगर हम अभी यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, मतलब बर्न हो जाए, हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, वो टेम्परेचर जिसपे वो बर्न तो हो मगर मिनिमम 5 सेकंड तक लगातार कंटिन्यूस बर्न होता रहे। ठीक है, अगर लो बन रही है तो लगातार 5 सेकंड तक फ्लेम मेंटेन रहे, तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट बोलते हैं। समझ गए, इसका मतलब फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट थोड़ा ज़्यादा ही होगा या बराबर होगा, कम तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेशन द फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विद द ऑयल इग्नाइट, इग्नाइट हो जाता है और क्या, कंटिन्यूस टू बर्न 5 सेकंड।
क्लियर। अब आगे देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेश पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ टेम्परेचर राइज अंटिल वेपर इज प्रोवाइड टू सच डिग्री एट द गिव फ्लेमेबल मिक्सचर विद एयर इन एन एनक्लोज स्पेस। ठीक है भाई, मैंने बताया एक एनक्लोज स्पेस में उसको हम गर्म करेंगे और क्या होगा, वेपर बनेंगी और मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर वेपर सफिशेंट अमाउंट में क्या हो क्रिएट हो जाए ताकि वो आराम से इग्नाइट हो सकें। सही, तो ऐसे केस में होता क्या है कि हमने क्या बोला, अगर यहाँ पर हम वेसल को क्लोज कर रहे हैं, वेसल को क्लोज कर रहे हैं तो पहला केस, दूसरा अगर हम वेसल को ओपन करके हम बर्न करें दूसरा केस। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो फायर पॉइंट है वो दो तरीके का हो जाता है, कैसा हो जाता है देखिए, फ्लेमेबल मिक्सचर विद एयर इन एनक्लोज स्पेस, क्लोज फ्लेश, जब हमारा जो स्पेस है बर्तन है वो क्या क्लोज होता है तो उस समय जो फ्लेश पॉइंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्लोज फ्लेश पॉइंट टेम्परेचर। ठीक, आर विद एयर इन द ओपन कप, अब हमारे जो कप है इसमें जला रहे हैं वो हमारा वेसल क्या ओपन हो, तो उस समय जो भैया मिलेगा हमें फ्लेश पॉइंट मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ओपन फ्लेश पॉइंट टेम्परेचर। मगर हम ओपन में जलाएंगे तो क्या होगा, हायर टेम्परेचर पर जलाना पड़ेगा हमें, कम्बशन बर्न जो होगा वो हाई टेम्परेचर पर होगा, इसलिए उसको हायर ओपन फ्लेश पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर, अब जो है इनको कौन से इक्विपमेंट हैं जिनसे हम निकालते हैं, आइए देखें। तो फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फिल्म, कंटिन्यू देखते रहिएगा, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फिल्म एट फायर पॉइंट नॉट ओनली विल वेपर एयर मिक्सचर फ्लेश बट लिक्विड विल कंटिन्यू टू बर्न। ठीक भाई है, फायर पॉइंट पर क्या हो कंटिन्यू बर्न होना भी आवश्यक है, जिन एक सिर्फ बर्न हुआ और फिर बुझ गया। ठीक, अब एक बात सुनो, अब यहाँ पर क्या है कि फ्लेश पॉइंट, अब हमसे पूछे फ्लेश पॉइंट पता करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो हम इसके लिए तीन इक्विपमेंट यूज करते हैं, डिपेंड इस बात पर करता है कि फ्लेश पॉइंट किस रेंज में है। आइए पढ़ते हैं, आईविल ऑपरेटस इज यूज टू द डिटरमाइनिंग क्लोज कप फ्लेश पॉइंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैविंग फ्लेश पॉइंट बिटवीन 19 डिग्री सेंटीग्रेड टू 49। अगर किसी भी फ्रूड का लिक्विड का फ्लेश पॉइंट 19 से लेकर 49 के बीच में है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह का, तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, तब उनके लिए हम पता करने के लिए हम आईविल ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक, आईविल ऑपरेटर से क्लोज टाइप का होता है, इसलिए इससे क्लोज कप फ्लेश पॉइंट हमें मालूम पड़ता है। क्लियर, तो मैंने क्या बोला, अगर 1949 यानी 19 से 49 के बीच में टेम्परेचर है तो हम क्या करते हैं, आईविल ऑपरेटर यूज करते हैं और उससे हमें क्लोज कप फ्लेश पॉइंट पता होता है। अगर अब दूसरा पॉइंट कि पेंसकी मार्टिन ऑपरेटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग फ्लेश पॉइंट ऑफ फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल बिटुमिन ऑयल एंड देन कट बैक बिटुमिन। ठीक है, हमारे का लुब्रिकेंट ऑयल है जो आप यूज करते हो, इस तरीके से लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, बिटुमिन हो गया, अदर कट बैक बिटुमिन जो है, इनका फ्लेश पॉइंट पता करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेंसकी मार्टिन ऑपरेटर का यूज करते हैं। समझ गए, तो ऐसे भी फ्यूल जिनका जो है क्या बोलते हैं, जिनका जो फ्लेश पॉइंट 49 से ऊपर होता है, तो उनके लिए हम पेंसकी मार्टिन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह। ठीक, 49 से ऊपर होता है उनके लिए यूज करते हैं, बट 70 बात समझ गए, 49 से ऊपर मतलब 60 हो गया, 55 हो गया, इस रेंज में होता है, हम इसका यूज करते हैं। क्लीवलैंड ऑपरेटर्स इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लेश एंड फायर पॉइंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेप्ट फ्यूल ऑयल्स दोज प्रोडक्ट हैविंग ओपन कप फ्लेश पॉइंट बिलो 79। ठीक, तो अब क्या है, क्लीवलैंड ऑपरेटर से यूज किया जाता है फ्लेश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों पता करने के लिए यूज करते हैं, एक्सेप्ट फ्यूल्स ऐसे वाले फ्यूल्स एंड दोज प्रोडक्ट्स हैविंग द ओपन अप बिलो देन। ठीक है, कुछ हमारे फ्यूल ऑयल्स हैं उनको छोड़ दिया जाए तो उनके लिए हम क्लीवलैंड का प्रयोग करते हैं, बट 79 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, अगर 90 से लेकर 49 तक उसका फ्लेश पॉइंट है तो उसको आईविल ऑपरेटर से यूज करते हैं, 49 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और 79 से कम तो होगा ही होगा, तो उसके लिए हम पेंसकी मार्टिन यूज करते हैं, और 79 से कम होने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, क्लीवलैंड का यूज करते हैं। आप कहोगे ये 49 से ऊपर हो और 79 नीचे, मतलब क्या हुआ, तो उसके रेंज वही है 55 से लेकर 65 तक,
अब वो 7 से ऊपर ना हो, मतलब 75 हो, 80 हो, 75 उस तरह की रेंज में हो, तब इसका यूज करते हैं। ठीक, वो एक्सपेरिमेंटल बेस है, जिससे ज़्यादा करेक्ट आता है हम उसी का यूज करते हैं। हर एक आयोसेल में, हर जगह क्या होता है, रिफाइनरी में एक लेबोरेटरी होती है, और मात्र आयोसेल ऐसी जगह हैं जहाँ पर लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट होते हैं और सबसे महंगे इक्विपमेंट होते हैं। जो भी यहाँ पर टेस्ट किया जाता है उनके लिए इक्विपमेंट यूज किया जाते हैं वो बहुत 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 महंगे इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, आपको बताऊँ, ऑक्टेन नंबर पता करने के लिए जो मशीन इंजन यूज किया जाता है, मोटर यूज किया जाता है, वो मोटर बहुत महंगा है। आयोसेल की मात्र गिनी चुनी आयोसेल 23 जगह आयोसेल इंडिया में है, उनमें गिनी चुनी लेबोरेटरी ऐसी हैं, एक दो जहाँ पर वो एक मोटर है। आपको और अच्छी बात यह है कि मैंने एक लखनऊ में अमौसी उसका सब स्टेशन है, यहाँ पर मैंने उस जो मोटर है उसको मैंने देखा है और उसको चला के देखा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे जब ऑक्टेन नंबर पढ़ेंगे। फ्लेस पॉइंट मेजर द टेंडेंसी ऑफ फ्यूल टू फॉर्म फ्लेमेबल मिक्सचर विद एयर इन अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। ठीक, हमें फ्लेस पॉइंट बताता है कि वो फ्लेमेबल मिक्सचर बना पाएगा नहीं बना पाएगा। अगर फ्लेस पॉइंट उसका कम है, इसका मतलब फ्लेमेबल मिक्सचर जल्दी बना लेगा, जल्दी से वेपर बनेंगी और मिक्सचर बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या है, बहुत ज़्यादा है तो देर में बना पाएगा, इसके बारे में हमें आइडिया देता है। ठीक है, तो ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज ओनली प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी कंसीडर इन द असेसिंग द ओवरऑल फ्लेमेबिलिटी हजार्ड ऑफ द मटेरियल। अब उसकी LEL क्या है, LEL मतलब लोअर एक्सप्लोजर लिमिट, UEL क्या है, अपर एक्सप्लोजर लिमिट, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें से काफ़ी डाटा मिल जाता है। जब आप कहीं जाओगे प्लांट में, हर एक मटेरियल के बारे में एक डाटा सीट होती है, इसे बोलते हैं MS डाटा सीट। ठीक है, तो MSDS बोलते हैं उसको, मटेरियल सेफ्टी, MS मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट बोलते हैं उसको। तो उसमें सारे इक्विपमेंट जो हमारे फ्यूल वगैरह होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, उन सब का क्या है कि उनका फ्लेस पॉइंट क्या है, उनके UEL क्या है, और सारी चीज़ों के बारे में EL क्या लिखा रहता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैविंग लो फ्लेस पॉइंट आर पोटेंशियल टू हजार्ड फ्लेस पॉइंट कैन इंडिकेट द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ हाईली वोलेटाइल एंड फ्लेमेबल मटेरियल इन रिलेटिवली नॉन वोलेटाइल और नॉन फ्लेमेबल मटेरियल। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए हो कि जो फ्लेस पॉइंट के वजह बेसिकली भाई हमारी कंडीशन हजार्ड में है, एक्सप्लोज हजार्ड में आती है या नहीं आती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है वहाँ पर हम देखते हैं और पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर ज़रूर बताइएगा, हमें इंतजार रहता है आप कमेंट का और आपके जो है लाइक का, लाइक करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, हमारी मेहनत बिल्कुल ही बेकार जा रही है, तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, है ना, उसमें डिसलाइक का भी बटन होता है, और वीडियो को शेयर करते रहो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।